दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। क्या आप जानते हैं नाक पर मुहासे या फुंसी होना आम बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और इसका घरेलू इलाज क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जानकारी, तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में लोगों को मुहासे ज्यादा होते हैं और कई लोगों की स्किन का प्रॉब्लम होता है, उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। नाक पर मुहासे बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होते हैं, लेकिन अगर आप मुहासों के प्रकार को अच्छी तरह से समझ लें तो आप इनका उपचार आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। आपके चेहरे की त्वचा छिद्रों में गंदगी और विषाक्तता होने के कारण वल्गरिस मुहासे होते हैं। स्वस्थ और साफ त्वचा छिद्रों से शरीर में मौजूद अतिरिक्त तेल को बाहर निकालने में मदद करती है, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब आपकी त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं तो फिर आपको ये समस्या होने लग जाती है। इससे गंदगी और मृत कोशिकाएं जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाती और नाक और इसके आसपास का क्षेत्र ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर मुहासे होने लगते हैं। आपकी नाक पर आने वाले मुहासे आपके स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपके नाक की अगली नोक पर होने वाले मुहासे आपकी पाचन संबंधित समस्याओं के कारण होते हैं। नाक की साइड में आने वाले मुहासे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं और नाक के आसपास अगर होने हैं तो इसका मतलब है कि बालों को उखाड़ने से भी मुहासे होते हैं। एक होता है मुहासे रोजेशिया। आपके चेहरे या नाक के पास होने वाले दूसरे सबसे आम मुहासे हैं रोजेशिया, जो रक्त वाहिकाओं में अशुद्धियों के बढ़ने के कारण होते हैं। इस प्रकार से मुहासों से त्वचा में सूजन, लाली हो सकती है, जो कि आपकी त्वचा में कुछ लंबे समय तक बनी रह सकती है। मुहासे रोजेशिया वास्तव में आपके चेहरे पर होने वाले बड़े मुहासों का एक प्रकार है, जिसे पेपला प्लस्टुलर रोजेशिया के नाम से भी कहा जाता है, और इसके लिए आप डॉक्टर से उपचार ले सकते हैं, लेकिन इन उपचारों से आपको कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते और प्रभावी होते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये उपाय। आप अपनी नाक पर आने वाले मुहासों को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। किचन में आपको मिल जाएंगी दोनों ही चीजें। एक छोटा चम्मच नारियल का तेल लें और उसमें छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। इसको मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपनी नाक के मुहासे पर लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें। थोड़ी देर पेस्ट को लगे रहने दें, 5 से 7 मिनट के लिए, फिर इसे सादे पानी से धो लें। ये आपकी नाक के मुहासों को ठीक करने में मदद करेगा। त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है वो ठंडक देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को साफ करने में भी मदद करता है, तो आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं और आप टूथपेस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी तरीका है। रात में सोते समय टूथपेस्ट को अपने मुहासों पर लगा लें, 15 से 20 मिनट लगे रहने दें और उसके बाद इसे धो के निकाल दें। टूथपेस्ट का उपयोग लगाने से पहले ध्यान दें कि चेहरे पर सफेद टूथपेस्ट का ही उपयोग करें और कोई टूथपेस्ट उपयोग ना करें। अगर आपके चेहरे पर मुहासे के कारण दर्द या सूजन है तो आप बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी रुमाल में बर्फ के टुकड़े को लें और प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथ से मालिश करें। ऐसा करने पर मुहासों की जलन और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। आपकी नाक बहुत ही संवेदनशील होती है, अगर इस पर किसी प्रकार की फुंसी या मुहासा हो जाए तो ये बहुत ही कष्टदायक हो सकती है। नाक पर फुंसी के इलाज के लिए आप जौ के आटे और उसमें शहद को मिलाकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। आप इस मिश्रण से अपने नाक पर हल्का सा पेस्ट बनाकर उसे अच्छे से लगा लें और उसके बाद जब वो सूख जाए तो आप इसे पानी से धोकर निकाल दें। इससे आपकी स्किन साफ रहती है और आपको मुहासे की समस्या नहीं होती। दोस्तों बता दूं आपको कि मुहासे की समस्या ज्यादातर पेट से जुड़ी होती है या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने पेट को जितना हो सके साफ रखें। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपको मुहासे की समस्या नहीं होगी। आप अपने चेहरे का उपचार करने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए भाप की सिकाई भी कर सकते हैं। भाप लेने से बंद रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं और त्वचा से अतिरिक्त तेल को भी हटाया जा सकता है। नाक के मुहासे और चेहरे के मुहासे से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए बेहद आसान तरीका है कि नींबू का रस आप अपने चेहरे पर हल्की सी परत लगा लें और उसके बाद 15-20 मिनट तक लगे रहने दें, फिर इसे पानी से धोकर हटा दें। इससे भी आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थी कुछ घरेलू उपाय जो कि आप कर सकते हैं मुहासे के इलाज के लिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ हो तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हो सकता है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, उसे ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।